हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल और हार्दिक स्वागत है आप लोगों का निंजा प्रेप यूट्यूब चैनल पर। आज का जो वीडियो है इसके अंदर मैं ये बात करने वाला हूं कि सीयूईटी पीजी एग्जाम के लिए, ध्यान से सुनिए, सीयूईटी पीजी एग्जाम के लिए आप लोगों को टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करनी चाहिए तो कब से ज्वाइन करनी चाहिए, और अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो उसके प्रॉपर बेनिफिट के लिए, टेस्ट सीरीज के प्रॉपर बेनिफिट के लिए उसका एनालिसिस हम किस तरह से करें कि हमारे मार्क्स में इंप्रूवमेंट हो जाए। बहुत सारे बच्चों के सवाल आ रहे थे कि सर अब जो सीयूईटी पीजी का एग्जाम है इसके अंदर केवल एक महीना रह गया है ना। आज अगर 30 तारीख है तो 5 तारीख से प्रपोज्ड टेंटेटिव डेट है, तो एक महीना ही मान के चल लेते हैं, तो एक महीना रह गया है, तो अब क्या हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए, और अगर हम कर भी लेते हैं तो उससे हमारे मार्क्स जो है वो किस तरह से इंप्रूव होंगे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो उन्हीं सब बच्चों के जो डाउट्स हैं, उन्हीं सब बच्चों के जो क्वेरीज हैं, उनके जवाब के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो इस वीडियो के अंदर हम टोटल 4 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। पहला हम ये बात करेंगे कि जो टेस्ट सीरीज है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। दूसरा हम ये बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का समय क्या होना चाहिए, यानी कि क्या हम अभी ज्वाइन करें आज से ही, क्या आज से 10 दिन बाद हम ज्वाइन करें, क्या आज से 15 दिन बाद हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। थर्ड हम ये बात करेंगे कि अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है या आप ज्वाइन करने वाले हैं तो टेस्ट देने के बाद ऐसा आप क्या करें कि टेस्ट सीरीज का आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, जब आप एग्जाम देने जाएं तो उसके अंदर आपको मैक्सिमम मार्क्स का जो बेनिफिट मिले टेस्ट सीरीज का। और फोर्थ पार्ट में कंक्लूजन, यानी कि जो पूरा हमने ये बात की, पूरी जो चर्चा की, उसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा उसकी हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट के अंदर। तो चलिए वन बाय वन बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज, यानी कि टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखो यार अभी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा होगा पिछले 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहा होगा, कोई बच्चा 2 महीने से प्रिपरेशन में लगा होगा, कोई बच्चा 3 महीने से प्रिपरेशन में लग रहा होगा, यानी कि हर किसी का अपना अपना एक टाइमिंग होगा जिसमें कि वो प्रिपेयर कर रहा हो। अब ये प्रिपरेशन तो आप करे जा रहे हो, है ना, आप जब बुक्स के क्वेश्चन लेके बैठते हो या आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक है तो उसके क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने कोई चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर के उस टाइम आपके क्वेश्चन याद हैं और आपने उसके क्वेश्चन कर लिए, हो गए, ठीक है। अब आज से 10 दिन बाद आपसे उस चैप्टर के क्वेश्चन कराए जाएं, क्या आप करेंगे नहीं करेंगे ये कैसे पता लगे। तो जो भी आपने पढ़ा है पिछले 2 महीने में पढ़ा है, पिछले 3 महीने में पढ़ा है, पिछले 6 महीने में पढ़ा है, तो उस चीज का इवैल्यूएशन तो होना चाहिए कि आपने जो जितना पढ़ा है, कितना पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है वो कितना सही है, या उसमें से आपको कितना याद है, आप कितना लर्न कर पाए हो, कितने कॉन्सेप्ट्स आपको याद हैं। तो उन चीज का एनालिसिस करने के लिए आपके पास एक टेस्ट होना चाहिए। तो वो जो इवैल्यूएशन है, वो जो आपका एनालिसिस है, वो कौन पूरा करता है, टेस्ट सीरीज पूरा करता है। टेस्ट सीरीज सबसे पहले तो यहां पर आपको एक तरह से चेक करता है, टेस्ट सीरीज आपकी जो नॉलेज है, जो आपने पढ़ा है, जो आपको याद है, उसको एक तरह से क्या करती है, चेक करती है, ठीक है। आपको ये पता लगता है कि आप कितने पानी के अंदर है, कितने पानी के अंदर है मतलब आप कितना याद कर चुके हैं, या आपको और कितना पढ़ने की जरूरत है। आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अगर आपके खराब मार्क्स आ रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, उससे आपको रियलिटी का जो चेक है वो हो जाएगा कि आपको अभी और काम करने की जरूरत है, यानी कि अभी कम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा उसको बढ़ा दीजिए, अगर आप एवरेज चल रहे हैं तो थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, और अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, जो आपकी प्रिपरेशन है उसी को कंटिन्यू करके चलना पड़ेगा। तो टेस्ट सीरीज हमारे इवैल्यूएशन के लिए, हमारे इवैल्यूएशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, जो कि ये हमें बताता है कि हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, हमारी जो प्रिपरेशन है बाकी बच्चों से किस तरह से जो है कंपैरेटिव है, बच्चों से अलग है, या हम पीछे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, क्या पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन हमें पता लग जाता है। टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करें, क्या करें, उसके लिए जो टेस्ट सीरीज, अगर आप सीयूईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीयूईटी पीजी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको कोई ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए जो कि क्वेश्चंस मैच कराती हो, जिस टेस्ट सीरीज के अंदर जो क्वेश्चंस हो वो पैरेलल हो सीयूईटी पीजी एग्जाम के।
कहने का मतलब है कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं सीयूईटी पीजी के एग्जाम के लिए और आपको जो क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं आईआईटी जैम के। मैं अगर आईआईटी जैम और सीयूईटी पीजी को कंपेयर करूं तो सीयूईटी पीजी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो वन लाइनर आते हैं, जो कॉन्सेप्ट बेस पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं, जबकि आईआईटी जैम में जो क्वेश्चंस हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। वहां पर आपकी न्यूमेरिकल जो टेक्निक है वो भी चेक होती है, आपकी जो मैथमेटिकल एबिलिटीज है वो भी चेक होती है। तो दोनों एग्जाम्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कहने को सिलेबस दोनों का सेम है अगर मैं साइंस स्ट्रीम्स के लिए बात करूं, पर दोनों का जो एग्जाम लेवल है, क्वेश्चन लेवल है, वो एकदम बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि सीयूईटी पीजी का एग्जाम स्पीड और एक्यूरेसी मांगता है। स्पीड का मतलब कि आप किस स्पीड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपको दो घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक्यूरेसी का मतलब एक्यूरेसी का कि हमारे से कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हो रही, हमारा जो आता हुआ क्वेश्चन है वो गलत तो नहीं हो रहा सिली मिस्टेक्स की वजह से। तो उन चीजों से कौन बचाएगा? आपको टेस्ट सीरीज बचाएगा। ये आपकी स्पीड भी बढ़ा देगा, ये आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ा देगा। अगर आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं तो उन सिली मिस्टेक्स पर आपका ध्यान जाएगा, उन सिली मिस्टेक्स को करना आप छोड़ोगे। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप बहुत सारे टेस्ट लगाओगे। तो आई थॉट कि इतना बहुत होगा आपको समझाने के लिए कि जो टेस्ट सीरीज है उसका इंपॉर्टेंस क्या है और आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। दूसरा सवाल जो आता है वो ये आता है कि हम टेस्ट सीरीज कब से ज्वाइन करें। देखो, मैंने कहा कि आप में से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ऐसे होंगे जो 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, पिछले 6 महीने से, कोई 2 महीने से कर रहा होगा, कोई अभी 1 महीने से लगा होगा और कोई जस्ट 10-15 दिन पहले जिसने स्टार्ट किया होगा। मेरा ये मानना है कि अगर आपका सिलेबस 50% हो चुका है, अपने एंड पे कर लिया हो या कहीं से आप कोचिंग कर रहे हो उस एंड पे कर लिया हो, मतलब जैसे भी हो आपने अगर अपना सिलेबस 50% तक कर लिया है, कितना कर लिया है 50% तक, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, कितना कर लिया है, अगर आपने आपका जो सिलेबस है वो 50% तक कवर कर लिया है, कितना कर लिया 50% तक भी कवर कर लिया है, 50% कवरेज आपके सिलेबस की हो गई है, तो आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देना चाहिए। देन यू शुड स्टार्ट टेस्ट सीरीज। ठीक है, अगर आपका सिलेबस 50% तक हो चुका है, वो 50% कहीं से भी हुआ हो, चाहे आपने अपने सेल्फ स्टडी से किया हो, चाहे आपने किसी कोचिंग को ज्वाइन करके किया हो, चाहे वो ऑफलाइन मोड में हो, चाहे वो ऑनलाइन में हो, किसी भी मोड में हो, आपने अपना 50% सिलेबस कवर कर लिया है तो आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देना चाहिए। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही डायरेक्शन में जा रही है या अभी आपको और मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपने टेस्ट तो दे लिया, लेट सपोज आपका एक टेस्ट हुआ, तो उस टेस्ट से मैक्सिमम बेनिफिट आपको निकालना है। पैसा खर्च कर रहे हो तो हर किसी की इच्छा होती है कि मेरे को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो एक बेनिफिट तो आपका यह है कि आपकी इवैल्यूएशन हो गया, आपकी नॉलेज चेक हो गई कि मेरे को कितना याद है, कितने मेरे को कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार है, कितना मेरे को और करने की जरूरत है। एक चीज तो आपका ये तैयार हो गया। दूसरा जो मेन चीजें जो मुझे लगता है आपको क्या करना चाहिए, आप कोई भी टेस्ट दें, कोई भी आप टेस्ट दे के आ रहे हैं, ठीक है, लेट सपोज आपने आज टेस्ट दिया, आज 30th अप्रैल है, 30th अप्रैल को आपने कोई टेस्ट दिया, ठीक है, 1 घंटे का आपका टेस्ट था, 1 आवर का, ये खत्म हो गया। अब क्या होता है, हम जो करते हैं वो ये करते हैं, भाई टेस्ट के हमने आंसर चेक कर लिए, ज्यादा से ज्यादा जो उसका है वीडियो सॉल्यूशन देख लिया और हमारे जो क्वेश्चंस गलत थे उनको हमने देख लिया कि हाँ यार ये गलत था, आगे से मैं इसको ध्यान रखूंगा या रखूंगी। तो मेरे समझ में ऐसा करना ठीक तो है, परंतु क्या इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, या ये कहूँ वो ज्यादा सही होगा, तो मेरे हिसाब से इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो क्या करें, तो देखो आपको करना क्या है, जब आप टेस्ट दे के आओगे, चाहे वो ऑनलाइन मोड में दो चाहे ऑफलाइन मोड में दो, तो आपके पास रेस्पॉन्स शीट तो पहुंचेगी, है ना, आपके पास वो रेस्पॉन्स शीट होगी, चाहे आपने किसी ऐप पर दिया हो चाहे आपने ऑफलाइन मोड में दिया। तो जो आपके पास रेस्पॉन्स शीट होगी तो उससे आप एक बार चेक करना कि जब आपने टेस्ट दिया वो कितने भी क्वेश्चन का हो, लेट सपोज कि वो 20 क्वेश्चन का था, तो उन 20 क्वेश्चन में से आपको सबसे पहले करना है डी आई एनालिसिस। का मतलब क्या है, डी आई का एनालिसिस का मतलब है, डी का मतलब है डिले और आई का मतलब है इंस्टेंटेनियस, आई का मतलब है इंस्टेंटेनियस। अब सर इसका मतलब क्या है, आपने जब पेपर सॉल्व करना चालू किया होगा तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके देखते ही आपने आंसर लगा दिए होंगे, जिसमें आपको बिल्कुल भी सेकंड्स नहीं लगा होगा, आपने देखा अरे इसका आंसर तो ये कटाओ, अरे ये इसका आंसर तो ये लगाओ,
अब ये तो खैर बाद की बात है कि वो सही था या गलत था, पर ऐसे क्वेश्चंस जो आपने देखते ही मार्क कर दिए उनको आप लगाओ इंस्टेंटेनियस, यानी कि उनके आगे लिख दो आप आई। मैं जैसे यहां पर गिनती लिख देता हूं 1 2 3 4 5 क्वेश्चन तक लिख देता हूं। पहला क्वेश्चन आपने आई लगा दिया, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन फिर आपने आई लगा दिया, पांचवा क्वेश्चन फिर आपने आई लगा दिया। डिले, डिले का मतलब क्या है कि आपको क्वेश्चन आता तो था परंतु आपको पता था इसमें मेरे को टाइम लगेगा, तो इसने आपको बाद में किया, या आपने उसको उसी टाइम अटेम्प्ट किया और आपको उसको कैलकुलेशन वगैरह करने में थोड़ा टाइम लगा, तो ऐसे क्वेश्चन को आप डालोगे डिले में। तो उसके आगे आप लिखोगे डिले, उसके आगे क्या लिखोगे आप डिले लिखोगे, ठीक है। फिर आपके पास आंसर की पहुंच चुकी है और आपने रेस्पॉन्स चेक किया। अब आपको क्या करना है, इंस्टेंटेनियस में से कौन से गलत हुए, गलत हुए उनको मार्क करना है। जो रॉन्ग हुए इंस्टेंटेनियस में से, जो रॉन्ग हो गए, सही हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो रॉन्ग हो गए उनको आपने पकड़ लिया। डिले में चाहे आपका सही हुआ चाहे गलत हुआ, उन दोनों को आपको लिखना है, दोनों को मार्क कर लिया, ठीक है। इंस्टेंटेनियस में जो रॉन्ग हुआ उसको आपने मार्क कर लिया, डिले में जो आपका गलत हुआ है ना, या चाहे वो सही हुआ, उन दोनों को आपने मार्क कर लिया, ठीक। अब रॉन्ग होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आपने कोई सिली मिस्टेक की होगी वो भी पॉसिबल है, आपकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, आपको कोई कॉन्सेप्ट गलत हो गया होगा, वो सारी चीजें पॉसिबल हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आपने जब ये मार्किंग कर ली, ये मार्किंग कर ली, तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इस शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको वो क्वेश्चंस लिखने हैं डिले वाले सबसे पहले जो आपके गलत हुए, डिले वाले वो क्वेश्चंस जो गलत हुए आपको सबसे पहले आपके, आपको इसको नोट के फॉर्म में लिख लेना है कि ऐसा ऐसा होता है तो ये आता है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि आगे से ये क्वेश्चन आएगा मेरे दिमाग में फीड है मैं कर लूंगा या कर लूंगी, ऐसा नहीं होता है भाई। ये हम सोचते हैं पर वो सोच में ही रह जाता है। आप जब तक उसको रिटर्न में नहीं लिखोगे, जब तक देखोगे नहीं बार बार, तब तक वो चीज आपके दिमाग में नहीं घुसेगी। तो डिले वाले जो क्वेश्चन आपके गलत हुए, एक तो पहली बात तो उसमें टाइम भी लग रहा था और ऊपर से वो गलत भी हो गया है ना, तो वो क्वेश्चन आपको बाद में भी फंसाएगा। तो उसको आपको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिख लेना है कि उसका राइट आंसर क्या है और उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। दूसरा, जो डिले में टाइम लगा, वो टाइम क्यों लगा, कैलकुलेशन की वजह से लगा, क्या लगा, क्यों भी लगा, जो भी है वो आपको लिख लेना है ताकि आप नेक्स्ट टाइम वो गड़बड़ ना करो। इंस्टेंटेनियस क्वेश्चन, चाहे आपकी वो सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुआ हो, चाहे वो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की वजह से गलत हुआ हो, वो आपको नोट्स के अंदर लिख लेना है, क्योंकि सिली मिस्टेक आपने आज भी की है ये पूरी पॉसिबिलिटी है आप बाद में भी करेंगे। तो शॉर्ट नोट्स में आप जब बना रहे हैं, तो आपने मान लो एक टेस्ट के अंदर 20 क्वेश्चन किए तो आपको 5 क्वेश्चन ऐसे मिल गए डिले और आई वाले, तो आपको अपनी एक कॉपी में जो रजिस्टर में वहां पे ऐसा लिख लिया, जो डिले वाले थे उसके आगे आपने डी लगा दिया, चाहे वो सही था चाहे गलत था, और इंस्टेंटेनियस में सिर्फ आपको रॉन्ग लेना है। तो ये आपके शॉर्ट नोट्स बन गए, ठीक है। तो उस पेपर में से जो क्वेश्चन सही हो गए वो आपको कभी नहीं थकाने वाले, वो क्वेश्चन कभी आपको नहीं रोकने वाले, या कभी आपके जो बैरियर नहीं बनने वाले। आपके साथ प्रॉब्लम कौन करेंगे, जो क्वेश्चन जो आपके गलत हो रहे थे या जिसमें सिली मिस्टेक हो रही थी। फिर क्या करना है, आपने ये शॉर्ट नोट्स बना लिए। अब ये शॉर्ट नोट्स मुश्किल से 2-3 पन्नों के बने होंगे या 4 पन्ने मान लो मैक्सिमम। तो अब आपको क्या करना है, इनका रिवीजन प्लान करना है। रिवीजन प्लान करने का मतलब क्या है, आप हर 2 दिन में 3 दिन में इन नोट्स को देखते रहो, क्योंकि ये जो ये शॉर्ट नोट्स आपके बने हैं ये मैक्सिमम बेनिफिट देंगे आपको एग्जाम के अंदर। मतलब कि आप अगर जितना भी आता है, आप मान लो 200 नंबर का पेपर है उसमें 150 नंबर ला रहे होंगे, तो ये शॉर्ट नोट्स की मदद से आपके प्लस 20 मार्क्स और हो सकते हैं, ताकि जिससे कि आप और अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, आप और अच्छी जगह एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर मेरे को ऐसा इतना कुछ करने से 20 मार्क्स का इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो ऐसा करने में मेरे समझ में मेरे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आपको करना क्या है, ये डी एनालिसिस करना है। डी का मतलब डिले, आई का मतलब इंस्टेंटेनियस। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, कैसे बनाने हैं वो मैंने आपको बता दिया। रिवीजन किस तरह से करना है, हर 2-3 दिन में उसको देखते रहो, वो चीजें अपने आप ही आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ओवरऑल अगर अब मैं बात करूं, तो सबसे पहले हमने ये जाना कि इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज क्या है, आपको क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, फिर हमने बात की कि कब से ज्वाइन करनी चाहिए, और उसके बाद हमने ये बात की कि जो एनालिसिस है मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस किस तरह से करना चाहिए। मेरे एंड पर आपको क्या जो बेनिफिट मिल सकता है, मेरे एंड पर आपको क्या हेल्प मिल सकती है, तो जो भी बच्चा CUET PG एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैंने उसके लिए टेस्ट सीरीज चलाया हुआ है फिजिक्स के लिए, तो वो मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकता है,
और अगर टेस्ट सीरीज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो जो नीचे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं या आपको जो इस पे ये आपको स्क्रीन पे भी जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं इस पे आप व्हाट्सएप करके और डिटेल ले सकते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज जरूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, एक ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।